नमस्कार दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ, ना ही आपने ये स्कूटर अपनी गलियों में देखा होगा, ना ही किसी रोड पर, क्योंकि बिल्कुल नया न्यूली लॉन्च थ्री व्हीलर लोडेड स्कूटर यह है। पहले आता था टू व्हीलर लोडेड स्कूटर, लेकिन उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, लेकिन कंपनी ने, हमारे हिंदुस्तान यानी भारत की अपनी कंपनी ने एक स्कूटर निकाला है जिसका नाम है हिंदुस्तान थ्री व्हीलर हैवी लोडर स्कूटर। तो दोस्तों इसके बारे में पूरा रिव्यू बताऊंगा, क्या खासियत है, किन लोगों के लिए ये फायदेमंद है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो से यार चुपक कर बैठ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से आगे के, तो कुछ इस तरह से इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल दिख रहा है। तो इसी के अंदर ये आपको हेडलाइट लैम्प सेटअप देखने को मिलता है, ये आपकी हेडलाइट देखने को मिलती है जो कि एलईडी में। इसी के अंदर इसके इंडिकेटर इंक्लूड है, क्योंकि जगह की दिक्कत की वजह से कंपनी ने एक इनोवेशन करी है, इंडिकेटर इसी में इंक्लूड कर दिया। और ये बास्केट है जो कि देख रहा हूँ बहुत ही मजबूत है। आप एक बार अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो अलीगढ़ में इस शोरूम पर ज़रूर आए, वेरीबो केलाजी सन्स नियर दुबे का पड़ाव ये शोरूम है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, तो आप एक बार ट्राई करने जरूर आए। अगर आपको एक हैवी लोडर स्कूटर की तलाश है, परफेक्ट स्कूटर की तलाश है, तो एक बार जरूर विजिट करें। सच में बहुत हैवी है ये। यह आ जाता है इसका मीटर कंसोल और 12 इंची के इसमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिलते हैं और डायमंड कटिंग एलॉय व्हील में देखने को मिलते हैं। यह आ जाते हैं इसके टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ये भी बहुत बेहतर क्वालिटी के लगाए, क्योंकि कंपनी को पता था कि इसमें आप लोड लेकर जाएंगे, तो इन्होंने इसमें मतलब इसके सस्पेंशन में बहुत अच्छे से काम किया है। तो ये आ जाता है ये वाला फ्रंट वाला प्रोफाइल। और इसमें आपको क्या, जैसे अगर आपकी गाड़ी खड़ी है ढलान वगैरह पे, तो आप इसमें हैंड ब्रेक भी लगा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से इसका हैंड ब्रेक लगेगा, यानी कि स्लोपिंग पे या ढलान पे खड़ी हुई है तो आप इसको लगा कर आप अपने सामान वगैरह उतार कर जगह अपनी जगह पर पहुंचा सकते हैं, फिर इसको इसका हैंड ब्रेक हटाएं और गाड़ी को आगे ले जाएं। सिंपल है, बहुत ही मजबूत क्वालिटी का। अब मैं इसको बैठ कर दिखाता हूं, कुछ सामान आपका यहां रख जाएगा, कुछ सामान पैरों में रख जाएगा, और मैं मैट इसकी क्वालिटी दिखाऊं, बहुत मजबूत बनी हुई है। यहां पर भी सामान रखने के लिए जगह दी गई है, देखिए। और यह आ जाता है इसका हैंडल बार, आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या क्या फंक्शन है। यह आ जाता है इसके जो बटन है, इसके लाइट वाले बटन, और ये आ जाती है इसके इलेक्ट्रिक स्टार्ट, थ्री मोड देखने को मिल जाते हैं, और आपका रिवर्स गियर भी देखने को मिलता है इसके अंदर। और ये आ जाता है इसमें हजार्ड स्विच भी दिया हुआ है, और इंडिकेटर्स भी, और हॉर्न, और पासिंग स्विच भी देखने को मिलता है इसके अंदर। ये कुछ इस टाइप से फंक्शन है। और दोस्तों एक बता दूं बात कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप लोडर गाड़ी चला रहे हो तो उसमें ब्रेकिंग की दिक्कत भी होती है, तो इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। पीछे के टायर का मैं विजिट कराऊंगा आपको, आप जब तक यहाँ का नज़ारा देखिए कि आप कितना सामान यहाँ पर रख सकते हैं, काफ़ी स्पेस गाड़ी में दिया है। अब फ्रेंड्स मैं इसके जो ड्राइवर की सीट है वो खोल कर दिखाता हूँ, क्योंकि इसके सीट के अंदर भी आप ज़रूरी सामान अपना रख सकते हो, जैसे बैटरी का चार्जर है, अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, और छोटा मोटा जो भी सामान आपका यूटिलिटी का, वो आराम से इसके अंदर रखा जा सकता है। इसको मिनी ट्री बोल सकते हैं, जैसे सवारी ट्री आजकल बैटरी की बहुत चल रही है शहरों में, मतलब लोगों को इधर से उधर ले जाने का काम करती हैं। हर शहर में, हर गली, हर मुक्कड़ में आपको ये ट्री देखने को मिलती होंगी सवारी वाली। लेकिन ये छोटी सी थ्री व्हीलर लोडर स्कूटर भी कंपनी ने बनाया है इस लोडिंग के पर्पज़ से। आप देख पा रहे होंगे इसमें तीन टायर, यानी कि एक आगे है, दो पीछे टायर देखने को मिलते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत मैं बता दूं, जो टू व्हीलर पहले जो स्कूटर था लोडर वाला, उसके अंदर पीछे स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन थे, लेकिन इसमें कमानी के सस्पेंशन लगाएं। आपको ध्यान होगा कि जब भी कोई लोडिंग गाड़ी हो तो उसमें कमानी का यूज़ होता है, ताकि आप में को बेहतर सस्पेंशन मिल सके। और मैं बता दूं इसकी जो मोटर है, मोटर आप देख रहे होंगे, इसमें दो मोटर में दोनों ही टायर में पावर मिलती है इसकी मोटर से, बेहतर आपको माइलेज देता है, यानी कि बेहतर रेंज देता है, 70 से 80 किलोमीटर एक बेहतर स्पीड पे ये आपको माइलेज देता है एक सिंगल चार्ज पर। इसमें मैं दोस्तों बता दूं, हैवी ड्यूटी की 10 बैटरीज लगी हैं, लेड एसिड बैटरी हैं, और चार्जिंग की भी टेंशन नहीं है, रात में लगाओ, जब तक आप सुबह होगी तो ये फुल गाड़ी चार्ज हो जाएगी। इसमें चार्जर में इसके ऑटो कट सिस्टम देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके पीछे की बैक लाइट की। तो दोस्तों इसमें जो टर्न इंडिकेटर है, इसी
बैक लाइट में ही इंक्लूड मिलते हैं, यानी कि अगर आपको गाड़ी को मोड़ना है तो यहीं पर ही ब्लिंक होगा टर्न इंडिकेटर का, और यह है इसकी बैक लाइट, कुछ इस टाइप से दिखती है, आप देख सकते हैं। और पीछे से देखने में गाड़ी कुछ इस टाइप से लगती है, यह है पीछे का लुक गाड़ी का। फ्रेंड्स, अगर आपका छोटा मोटा कारोबार है, सामान को इधर से उधर लाने का आपका डेली का काम है, तो ये स्कूटर सच में आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इस स्कूटर की जो कैपेसिटी है, लोडिंग कैपेसिटी है, वो 300 किलो से भी ज्यादा इस पे सामान आप मतलब लोड कर सकते हो। मैं समय इसलिए किसी पे खड़ा होकर दिखा रहा हूँ, इतना, यानी कि आप आराम से रस्सी से भी बांधो, आगे भी रखो, और एक जगह से दूसरी जगह सामान आराम से लेके जा सकते हो। बहुत रीजनेबल प्राइस में ये स्कूटर आपको मिल जाएगा। अगर आप अलीगढ़ या अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो एक बार दुबे के पड़ाव पे केला सन से एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का शोरूम है, तो यहाँ पर एक बार जरूर विजिट करें। और हाँ, ये जो आपको मोबाइल नंबर बहुत देर से डिस्प्ले हो रहा है, इस पर जो भी कंफ्यूजन है इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में या लोडर के बारे में, आप बेझिझक फोन करके पूछ सकते हो, बेहतर डीलिंग ले सकते हो। तो बहुत मस्त स्कूटर है लोडिंग कैपेसिटी के लिए। तो फ्रेंड्स, अब अंत में बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो 99,999 रुपये स्पेशल प्राइस है, इतने कम प्राइस में इतना अच्छा लोडिंग स्कूटर सच में बैटरी वाला आपको मिलने वाला नहीं है। एक बार लो और पेट्रोल के दामों के झंझट से छुटकारा पा लो और अपना बिजनेस आगे बढ़ाओ। और अलीगढ़ से बिलोंग करते हो तो शोरूम पे एक बार विजिट जरूर करो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार, बाय बाय।